हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज 4.2 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ों पर ध्यान रखना है, एक तो रूट्स पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टराइजेशन। रूट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ये रूट्स क्या होते हैं। तो हमने चैप्टर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, वहाँ पे हमने जीरोज़ को पढ़ा था। जीरोज़ किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो वैल्यू होती थी जो उसके अंदर अगर हम पुट कर दें तो पूरे पॉलिनोमियल की जो होल वैल्यू होती थी उसको वो जीरो कर देती थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रूट्स हैं सेम वही वर्क करते हैं जो पॉलिनोमियल में जीरोज़ काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल के लिए जीरो थे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स हैं। तो रूट्स एंड जीरोस बोथ आर सेम। अब हमें यानी रूट्स मतलब ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लगा दें तो इनके आंसर को क्या कर दें, वो जीरो कर दें। इनकी वैल्यू जो होल वैल्यू बने उसको क्या कर दें, ये जीरो। लेकिन वो जो आपको रूट्स निकालने हैं वो किस मेथड से निकालने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। क्योंकि क्लास 10th के अंदर रूट्स को फाइंड करने के तीन मेथड्स आपको दिए गए हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आगे वाली क्लासों में मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में। तो तीनों मेथड हम वन बाय वन करेंगे। तो आज जो हमारी क्लास है उसमें हमसे बोला गया कि रूट्स को फाइंड करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का। तो फैक्टराइजेशन मेथड कोई एक नया मेथड नहीं है, ये पुराना ही मेथड है जिसके थ्रू हम जैसे जीरोस फाइंड कर रहे थे पॉलिनोमियल में, सेम वैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसमें करते क्या हैं, हम फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करते, थर्ड टर्म को भी कुछ नहीं करते, लेकिन ये जो मिडिल टर्म होती है इसको हम स्प्लिट करते हैं, जो क्लास 9th में हम पढ़ते थे स्प्लिटिंग मेथड। तो अब इसको स्प्लिट कैसे किया जाएगा, ध्यान रखें। तो इस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे आप देखें कुछ कोफिशेंट है आपके पास, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इन दोनों की आप करा लें मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो लिखा होता है उसकी और इस कांस्टेंट टर्म की आप मल्टीप्लाई कराएं विद साइन, तो आपको क्या मिला, माइनस का 10। 1 इंटू माइनस, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 इंटू माइनस 10 20 हो जाता, तो अभी कुछ नहीं तो 1 इंटू माइनस 10 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे इस सिंगल टर्म को तोड़ के दो टर्म बनानी है, और वो तो दो टर्म कैसे बनेंगे उसके लिए कुछ रूल बोला गया है। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आया 10, अब इस 10 के ऐसे दो फैक्टर होने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 10 ही रहे, लेकिन माइनस करूं तो 3 आ जाए। अब बात आती है माइनस ही क्यों करूं, प्लस भी तो किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोनों की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रही है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगी तो आपको उन दो फैक्टर्स को माइनस करना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाती है तो फैक्टर्स को ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये माइनस का आ रहा है तो उसका मतलब फैक्टर्स को माइनस करना है। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करूं तो 3 आ जाए, तो मेरे पास होंगे 5 और 2। 5 से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो 3 आ जाता है मेरे पास, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 10 आ जाता है। तो वो मेरे पास फैक्टर आ चुके हैं 5, साइन एज इट इज ऐसे ही आएगा, 3 की जगह हमने लिखा 5 माइनस 2, और एक्स हमारा एज इट इज ऐसे ही, और माइनस 10 ये ऐसे ही। यानी अभी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहा, माइनस 10 ऐसे ही रहा, इस 3 की जगह 5 माइनस 2 आ गया, और ये 5 माइनस 2 कैसे आया, ये इस रूल से आया कि यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराई हमने, और जो मल्टीप्लाई की उसके ऐसे दो फैक्टर हमने निकाले कि मल्टीप्लाई करके तो वही आ जाए जो आपके पास फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन माइनस करके ये बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और यहाँ पे एक्स है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस की 5 से होगी तो ये हो जाएगा माइनस 5, लेकिन एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 5x। मार माइनस है, माइनस माइनस प्लस, आप इसको माइनस नहीं करेंगे, आप सिंपली ऐसे रहने देंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर अंदर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 ये ऐसे ही, क्योंकि माइनस बाहर इन दोनों टर्म्स के था इसलिए इन दोनों के साइन चेंज किए, प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस होगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुई 0। अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन लीजिए तो कॉमन क्या आएगा आपके पास, एक्स, इन दोनों में एक्स कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ बचा एक्स माइनस 5, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में 2,
तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 5। अरे टू से इसको डिवाइड करा लीजिए, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। दोनों में कॉमन, एक पूरी टर्म ये बन चुकी है, एक पूरी टर्म ये बन चुकी है, दोनों में कॉमन है x माइनस 5। यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है प्लस 2। अब आपके पास जो दो फैक्टर्स थे, आपके फैक्टर तो ये तैयार हो गए, लेकिन आपसे पूछा गया था इसके रूट्स क्या होंगे। तो हम रूट्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी x इज इक्वल टू 5 हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास, और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये मेरे पास दो रूट्स इसके फाइंड हो गए, किसके, इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के, ये दो रूट्स हैं। अगर 5 भी मैं x की जगह लगा देता हूँ तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और माइनस 2 लगा देता हूँ तभी भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसके भी इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मुझे क्या देखना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट है 2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 6। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 12। अब माइनस 12 के ऐसे दो फैक्टर कि जिनको माइनस किया जाए, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई माइनस आ रही है, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस किया जाए तो एक्स के साथ कुछ भी नहीं, तो क्या है 1। तो माइनस करके तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 भी आए, तो 4 और 3 हो जाएगा। 4 और 3 से अगर मैं माइनस करता हूँ, 4 से 3 को माइनस करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर हो चुके हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस, अब इस x की जगह आ जाएगा 4 माइनस 3, कुछ नहीं था इसके साथ बनता, और ये एज इट इज x ऐसे आएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर बाहर प्लस साइन है, अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये 4x ऐसे आ जाएगा और ये माइनस का 3x भी ऐसे आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन आ रहा है, यहाँ देखो 2 है यहाँ पे 4 है, तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और दोनों से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ बचेगा 2। माइनस इन दोनों से कॉमन, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस 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 तो कॉमन आ गया, 3 और 6 में से देखेंगे तो 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ x बचा, और जब माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा ये, और ये माइनस वाला भी प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया 2। 3 से 6 को डिवाइड करा लीजिए 2 आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है जिस नंबर को आप कॉमन लेते हैं उससे सीधा डिवाइड कर देना। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, x प्लस 2, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और यहाँ बच रहा है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, लेकिन हमसे तो पूछा था इसमें रूट्स, तो क्या होगा, x प्लस 2 ये भी 0 के इक्वल पड़ेगा, और 2x माइनस 3 और इसको भी हम 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल और इसके 0 के इक्वल। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू एक तो आ जाएगा माइनस 2, और हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 3 जो कि इक्वल है 0 के, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो सो रूट्स आर, आपके रूट्स आ चुके हैं क्या, माइनस 2 एंड 3/2, ये आपके पास रूट्स फाइंड हो गए। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या है। क्वेश्चन थर्ड है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन थर्ड जिसके हमें रूट्स फाइंड करने। अब कैसे फाइंड करेंगे, इसकी और इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई कराएंगे, रूट टू की मल्टीप्लाई होगी 5√2 के साथ। अब देखो रूट टू मल्टीप्लाई जब रूट टू के साथ करेंगे तो रूट टू हो जाता है 2, यानी रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू इज इक्वल टू 2। यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2 यानी मीन्स 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस किया जाए तो 7 आ जाए। अब बात आ रही प्लस क्यों कर रहे हैं, अभी तो पीछे वाले दोनों क्वेश्चन में हमने माइनस किया, अरे वहाँ पे दोनों फैक्टर माइनस के आ रहे, मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लीकेशन आ रही थी प्रोडक्ट आ रही थी वो माइनस आ रही थी, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ रही है प्लस आ रही है। तो जब प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है तो हमें फैक्टर्स को ऐड करना है, और प्रोडक्ट नेगेटिव आती है तो प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब ऐसे ही दो फैक्टर 10 के जिनको प्लस करें तो 7 आ जाए, ये हो रखे हैं 5 और 2। 5 और 2 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 7 आ जाता है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। रूट टू एक्स स्क्वायर, तो 7 के फैक्टर हम लिख देते हैं सीधा 5x प्लस 2x प्लस 5
रो टू इज इक्वल टू जीरो, ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल और केवल कॉमन है x, तो ये हो गया रूट टू एक्स प्लस फाइव। और यहाँ पे क्या कॉमन है, हम 2 को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, अभी हमने ऊपर देखा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसमें रूट टू भी है और यहाँ भी रूट टू है, तो यहाँ से रूट टू कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक रूट तो बाहर चला गया रूट टू, तो बचा क्या रूट टू एक्स प्लस, और यहाँ पे रूट टू बाहर जा चुका है, तो ये बचा केवल फाइव इज इक्वल टू जीरो। दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास रूट टू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ आपके पास बचता है एक्स प्लस रूट टू, ये एक्स और ये बचा रूट टू इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो या एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू, एक रूट तो हमारा ये फाइंड हो गया एंड सेकेंड वन इज एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू, तो हमारे जो रूट्स थे वो ये आ चुके हैं। सो रूट्स आर, रूट्स हो गए माइनस फाइव अपॉन रूट टू एंड माइनस रूट टू, ये हमारे पास रूट्स फाइंड हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन फोर, हमारा क्वेश्चन फोर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इक्वल जीरो। आप चाहें तो इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने में जो आपके पास फैक्टर बनेंगे वो अपॉन में आएंगे, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 8, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 8 टू जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमने एलसीएम किया, ये 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इंटू 8, डिवाइड से मल्टीप्लाई, वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 है यहाँ पे 1, तो 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 16। अब 16 प्लस का है तो 16 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करें तो 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आ जाए, 4 इंटू 4, 4 प्लस 4 8 होता है और 4 इंटू 4 आपका 16 होता है, तो यहाँ पे हो गया 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 एक्स ऐसे ही प्लस 1, और ये हो चुका है 0। 16x स्क्वायर, बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4x हो जाएगा और ये भी माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों से कॉमन आ जाएगा 4x, यहाँ आएगा 4x और यहाँ बचेगा माइनस 1। यहाँ से ध्यान रखना, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन लेंगे, लेकिन अगर मैं प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस का 4x होगा और ये प्लस का 1, और मुझे क्या चाहिए, 4x प्लस का चाहिए और माइनस का चाहिए 1, तो इसमें क्या करेंगे आप माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला माइनस का। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस बात का ध्यान रखना कि ये टर्म और ये टर्म सेम आनी चाहिए, दोनों में कॉमन आ रहा है 4x माइनस 1, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ क्या बचा आपके पास 4x और ये बचता है माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और यहाँ भी 4x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज सॉरी इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो यहाँ पे जो हमारे पास रूट्स थे वो फाइंड हो चुके हैं। सो रूट्स आर, जो हमारे रूट्स थे वो आ गए 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4, ये दोनों हमारे पास रूट फाइंड हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 ही आएगा, 100 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करें तो 20 आएगा क्योंकि प्लस का आएगा 100, तो यानी 10 प्लस 10, 10 मल्टीप्लाई 10 की करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 और 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। तो 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो गए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 10x कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा 10x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ये 10x हो जाएगा और ये माइनस 1 0, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा देन प्लस वाला माइनस, और ये आ जाएगा 10x माइनस 1, दोनों में कॉमन, और यहाँ बचता है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 10x माइनस 1 ये 0 के इक्वल हो सकता है और 10x माइनस 1 ये 0 के इक्वल, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,
तो इसके रूट जो हो गए वो आए, सो रूट्स आर, जो हमारे रूट्स थे वो आए 1/10 and 1/10। ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ। तो अभी हमने इस क्लास के अंदर पढ़ा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।